वो कहते हैं ना, पैसा लगाने वाला ही पैसा कमाता है। सीएससी में फाइनली एक और बहुत बड़ी सर्विस आ गई है। इन्वेस्टमेंट है, कमाई भी है। तो इस सर्विस के बारे में जान लेते हैं, क्या है, कैसे कार्य करना है, कैसा कैसा बेनिफिट है, किस किस प्रकार के वर्क आपको मिलेंगे, कितनी आप इससे कमाई कर सकते हैं। सो मैं हूं अमर और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। पूरी बातों को देखना, समझना, तब अपना कुछ डिसीजन देना। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक करिएगा। लेकिन दोस्तों, हम जिस भी वीडियो को बनाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और उस लाइक को करने में आपका कोई पैसा भी नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, हो सके तो यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका अमर भाई जो भी वीडियो दे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। सो फ्रेंड्स, सीएससी की जो सर्विस है, आईसीटी एजुकेशन लैब, तो ये आईसीटी एजुकेशन लैब क्या है, इसका क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों, आईसीटी एजुकेशन लैब नाम से ही क्लियर है, एजुकेशन लैब। अगर आप एक वीएलई हैं, सीएससी यूज करते हैं, सीएससी आईडी है, सीएससी में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसको करके जो एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर दोस्तों, अगर आप सीएससी में आते हैं, एजुकेशन वाले सेक्शन में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें काफी अच्छी अर्निंग है, काफी ज्यादा कमाई है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आप कराते हैं, काफी ज्यादा इनकम आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बता रखा है, पीएमजी दिशा का अगर आप वर्क करते हैं तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। एनआईओएस एग्जामिनेशन वाला अगर आप करते हैं उसमें भी आप अच्छा कमा सकते हैं। इंग्लिश वोलो अगर आप कराते हैं उसमें भी आप अच्छा कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों, सीएससी की जो नाइलेट वाली सर्विस है उसमें भी आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो सीएससी जो है एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत सारी सर्विसेज देती है, और इन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए एक वीएलई के पास कुछ कंप्यूटर होने अनिवार्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप एक लैब चला रहे हो, आप एक सेंटर चलाओगे। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जिसमें आपको 5, 6, 10 कंप्यूटर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आ जाती है। लेकिन सीएससी की सर्विस से उच्च कोटि का कंप्यूटर आपको मिलेगा कम से कम कीमत में, और इसमें आपको गारंटी वारंटी भी मिलेगी। तो दोस्तों, पीएमजी दिशा की सर्विसेज के लिए भी आपको कंप्यूटर की जरूरत होती है। तो ये जो आईसीटी लैब की, जो एजुकेशन लैब की सर्विस है, इसमें आपको कुछ नहीं है, बस सीएससी ने विंडोज के साथ टाई अप किया है, और उसके थ्रू जो है आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो और सीएससी के इन सभी सर्विसेज को यूज में ले सकते हो, अपने स्टूडेंट को एजुकेशन दे सकते हो, उनको डिजिटलाइज कर सकते हो, कंप्यूटर का नॉलेज दे सकते हो और काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु होता है, यानी कि दोस्तों, बेनिफिट मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन लैब खोलने का आपको कितना बेनिफिट है। एजुकेशन लैब खोलने का दोस्तों, यहाँ पे 500 सर्विसेज आपको दिख रही है जिसको आप अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, गांव के ग्रामीण बच्चों तक इस सभी एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं, और इससे आप लाखों रुपए में कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएससी में ऐसी ऐसी सर्विसेज, पीएमजी दिशा बहुत फेमस सर्विस है, लाखों रुपए देती है। यहाँ पे मेहनत है, पढ़ाना होता है, सिखाना होता है, लेकिन लाखों की कमाई है। बहुत सारे वीएलईज इस पे वर्क करते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप है, नाइलेट है, उसमें भी काफी अच्छा कमीशन है, काफी ज्यादा कमाई है। आईआईटी जेई वगैरह का कार्य है यहाँ। एनएसडीएल की ऑफिशियल पैन कार्ड की एजेंसी अब आप भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको पैन नंबर मिलेगा 3 दिन में, और पैन कार्ड बहुत ही आसानी से, बहुत फास्ट आप बना सकते हैं। तो एजेंसी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस एजेंसी की जो कीमत आएगी आपको 2000 रुपए की आएगी। काफी कार्य है, वो बात की बात रही, अभी मेरा मेन मुद्दा है आईसीटी एजुकेशन लैब के बारे में। तो दोस्तों, इस पे आप सिंपली क्लिक करोगे, इस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सीएससी की सर्विसेज वाले सेक्शन में जाना है। उसके लिए आप कैसे जा पाओगे मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली सर्च बॉक्स में सर्च करना है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करोगे, आपको आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन का टैब देखने को मिलेगा, और उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां से आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर देना, एंड जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टैब आएगा, एंड रजिस्ट्रेशन टैब के थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे।
चलो दोस्तों, वहां पे हम बात कर रहे थे आईसीटी एजुकेशन लैब के बारे में। और वैसे आप यहाँ पे आ सकते हो register.cse.gov.in के साथ और स्लैश आप लगा दो सीएससी सर्विसेज, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ आईसीटी एजुकेशन लैब। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, तो G3 मिनी पीसी आपको मिलता है 260 G3, और यहाँ पे जो है इंटेल का आपको सपोर्ट मिल जाता है, यानी इंटेल प्रोसेसर आपको मिल जाती है। यहाँ पे हम बात करें 4 GB आपको रैम मिलता है, रैम टाइप जो होता है DDR4 होता है, तो DDR4 काफी लेटेस्ट रैम होता है, काफी फास्ट वर्क करता है। और यहाँ पे मेमोरी जो होती है 500 GB की आपको मिलती है, 7200 RPM, और रियलटेक का आपको प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पे और भी बातें हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, लैन पोर्ट आपको मिल जाता है, हेडफोन माइक्रोफोन मिल जाता है, कॉम्बो मिल जाता है, 2 USB मिल जाता है, 3.1 Gen रियर कैमरा मिल जाता है, और एक्सटर्नल एंटीना कनेक्टर, सॉरी दोस्तों कैमरा में हमने बोल दिया, यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, एक्सटर्नल एंटीना कनेक्टर वगैरह मिल जाता है, पावर कनेक्टर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो आप इसका बात करें, तो इसका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर भी काफी महंगा आता है, और ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप भी काफी महंगा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बातें बताई गई है, 5 कंप्यूटर आपको दी जाएगी, यहाँ पे 5 आपको सेटअप दिया जाएगा, 5 डेस्कटॉप दिया जाएगा, और इसकी जो कीमत है 1,30,000 रुपये की आएगी। तो 5 आपको दिया जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा देखने में, काफी उच्च क्वालिटी का देखने में लगता है। यहाँ पे सिंपली दोस्तों अगर आप इच्छुक हैं एजुकेशन लैब चलाना चाहते हैं तभी रजिस्टर करें, नहीं चलाना चाहते मत करें, क्योंकि पैसे ऐसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। लेने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोसीड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वेली नेम देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी डालना है, यहाँ पे पिन नंबर डालना है, कंप्लीट एड्रेस डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। सबमिट करोगे सीएससी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपको आगे की जानकारी दे देगी, ऑर्डर वगैरह की जानकारी आपको दे देगी। तो दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा होगी, क्योंकि काफी लंबा रकम है तो इसी वजह से आपको मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट है इस पे जो है आपको 1 साल का वारंटी भी देखने को मिलेगा, तो 1 साल की वारंटी के साथ आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल की टोटल चीज पे आपको वारंटी मिलेगी। अगर दोस्तों हम इस डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप 275 मिनी पीसी, तो इसका मैं ऑनलाइन प्राइस एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा हुआ है सीएससी में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप ऑनलाइन इसको देखो तो ऑनलाइन इसका जो कीमत आता है, इसमें दोस्तों बिल्ड करने में आप जानते हैं एक पीसी को बिल्ड कराने में आपको लगभग लगभग 30,000 का करीब खर्चा आ जाता है, 4 GB रैम अगर आप रखते हो, और इसमें जो आपको डेस्कटॉप दिया जा रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया है, उच्च क्वालिटी की है। तो आप लेने से पहले एक बार इंक्वायरी ले लेना, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि ऐसी सर्विस सीएससी में आई है जिससे आप एजुकेशन लैब खोल सकते हो, रजिस्ट्रेशन करके काफ़ी अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा इंक्वायरी आपको भी करना होगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर आप इच्छुक हैं तो आपको कॉल आ जाएगा और वहां से आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कर दीजिएगा, कुछ खास मैंने तो बताया नहीं, तो जो भी आपको सही लगे वो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।